मेरी समझ में नहीं आता, मेरी इजाजत के बगैर आपको वहां भेजने की उसको जरूरत क्या थी? मैं क्या करती कैसरा, उसे खुद लेने आ गई थी। चल जैन, तुम आखिर चाहते क्या? वो बच्ची तुमसे शादी करके तो कैदी बन गई है तुम्हारी। देखिए, बीवी मेरी है, इसलिए उसे कैसे रहना है, किससे मिलना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, इसका फैसला भी मैं ही करूं तो बेहतर होगा। हाँ भाई, अब तो तुम बड़े हो गए हो और इस घर के सब बड़े तो जैसे मर गए हैं ना। अल्लाह ना करे। तो फिर समझाइए अपने साहबजादे को, बीवी है इसकी, इंसानों वाला सलूक करे, उसके साथ कोई जानवर नहीं है। और मोहित भी सब कुछ समझ रहा है जो ये सबूई के साथ सलूक कर रहा है। अरे मोहित की क्या औकात है कि उसे क्या लग रहा है क्या नहीं मैटर करे मेरे लिए। और वैसे भी क्या किया है मैंने उसके साथ, क्या किया है सबू के साथ मैंने? क्या हो गया बेटा? ये ठीक कह रहे हैं, कैसरा भी तुम्हारे बारे में मुझसे शिकायत कर रही थी। चलो ना, वो कौन होती है मेरे घर के मामले, मेरी जिंदगी के मामले में बोलने वाली? बहन है वो मेरी। अगर तुम्हारी आंखों में लिहाज नहीं रहा तो क्या मुझ में भी नहीं है? मुझे अपने रिश्तों का एहतराम करना आता है जैन। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? इतनी मोहब्बत से अपना कर लाए थे तुम सबूही को। ये ना मेरी मोहब्बत ही है और मेरी मोहब्बत ऐसी ही। अच्छा फजूल बातें मत करो, कल जल्दी जाकर इंतजाम देखना। मूड होगा ना मेरा तो देख लूंगा। चाप देखो तो अपनी मनमानी। मित्र की शादी हो जाने दो, फिर इसका दिमाग ठीक करता हूं मैं। रहने देना, गुस्से में है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा? ये सब तुम्हारी बेचा हिमायतों का नतीजा है जो ये इतना जिद्दी बन गया है। अच्छा बस रहने भी देना। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, अभी तुम्हें याद कर रहा था। बैठो। देखा आपने मुझे याद किया और मैं आ गई आपके पास। आप जैन नहीं आया? नहीं, मोहित भाई मुझे छोड़ के गए। मैं समझा अब जैन आया होगा। एक्चुअली बाबा जानी उन्हें कुछ काम था ना तो वो नहीं आ सके, और पप्पा आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि मोहित भाई से ड्रॉप करवा देंगे मुझे यहाँ। पता नहीं ये बेटियां अपनी असूदगी छुपाने के लिए नजरें क्यों झुका लेती हैं। कैसी कैसी अफसरदगी? जो तुम्हारी नजरों से छलक रही है। अबा जानी आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताएं, मिद्दत कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में। मैं मिद्दत से मिलकर आती हूँ। Thank you.